माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चावल जो है ना दाम के करीब हो गए और ये ना कच्चे जी। रहे और ना ही वो ना उस तरह बने, ये ख्याल रखना आप, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ हमारे साथ हो जाता है, पिछली बार जैसे हुआ था याद ही कच्चे रह गए। चलो जो भी है तू नहीं सिला और सी तो उससे उस बार और बुलस्ता ना। हाँ जी आ बिखाओ से अम्मी जी लो हूं सही कम करी क्या आइलो 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 पहले पैसे दो मोड़ नहीं देता तो संभाल कर काम देसी अपन रख संभाल के ये काम देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जनाब शुरू। तेरा बरकत है, कुछ मैंने जनाब लफ्ज़ जो है ना वो चोरी करके मैंने कह दिए, इसके लिए माजरत चाहते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो अभी भी तेरा बरकत कुछ हमारे लिए स्पेशल बना रही है आज। हाँ जी, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि वैसा आपने काफ़ी डाला डाला हुआ था बिरयानी का, तो उनके लिए जो है ना, उनके लिए हम सब के लिए जो है ना कुछ फरमाइश उसकी है और बिरयानी बन रही है हमारी। मैंने कहा कि आपने अगर तय वाली बिरयानी खानी है तो ये चीज़ें लेकर आएँ, अगर सादा खानी है तो फिर ये चीज़ें ले आएँ। लेकिन ये सादा की जो चीज़ें ले आए हैं, कह रहे हैं कि अगली दफ़ा जो इंशाल्लाह ना बाहर बनाएंगे तो फिर बनाएंगे वो तय वाली बिरयानी, क्योंकि आज काफ़ी हवा चली हुई है, मौसम ठंडा है, तो फिर बाहर ना वो सिस्टम नहीं बनना, तो कमरे में ही बननी है, तो इसलिए आज सादा बिरयानी चल रही है। हालांकि पहले हम रोटी बनाने लगे थे, आटा पड़ा हुआ था, हमने सोचा ख़राब ना हो जाए, फिर बच्चे का मुँह जो है ना वो लटक गया उसे, तो मैं बिरयानी वाला सामान लेकर आया हूँ सारा कुछ, आप दोबारा से फिर रोटी बन रही है। फिर मैंने इनको बोला आप बिरयानी ही बनाएं, क्योंकि अब तकरीबन 3-4 का टाइम हो गया, हमने सोचा कि रात को चलो बिरयानी बना लेंगे, अभी रोटी बनाते हैं, लेकिन नहीं वो कैंसिल हो गया, अब बिरयानी ही बनेगी डायरेक्ट, बाकी लगता गर्म करेगा। कौवे जो है वो आ गए, पता चल गया ना। सब्ज़ी वगैरह या गोश्त वगैरह या चावल वगैरह मतलब इस तरह की कोई चीज़ें वाश करनी है तो हमारा पानी अंदर होता है वो हम लेकर आते हैं, वो मतलब कि बिल्कुल साफ़ साफ़ तो ये भी होता है, लेकिन बर्तन वाश करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। और ये थोड़ी देर पहले हवा चली रही है, और वैसे भी ईद जो है ना वो मशीनें लगी है ना स्पेशल वगैरह, तो गंदम का जो होता है ना थोड़ा बहुत हिसाब किताब तूड़ी वगैरह वो उड़कर इधर आ जाती है, तो ऐसे फील होता है कि जैसे बहुत गंदा पानी है, लेकिन गंदा पानी नहीं है बिल्कुल, ये वीडियो में थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन बस ये पत्ते वगैरह फिर ऊपर दरख्त वगैरह भी है ना, तो इसलिए फिर थोड़ा सा अजीब लगता है, बाकी बिल्कुल साफ़ पानी है, आप ऐसा ना समझे, क्योंकि कमेंट्स आया हुआ था एक इतना गंदा का पानी है उसमें आप बर्तन वाश करें, बल्कि ऐसा नहीं है, वीडियो से बाहर होकर आप देखेंगे ना अगर, तो आप खुद कहेंगे माशाल्लाह साफ़ पानी है, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वीडियो में थोड़ा अजीब लगता है, उसके लिए माजरत। वैसा उठ जाए उठ जाए, चावल दूसरे वाले हैं, अगर ऐसा ना हो कि फिर ये वो दूसरे बन जाए। हाँ जी बिरयानी तीनों खाऊंगा फिर मैं, मैं हूं भी रोटियां बनवानी शुरू कर देनी फिर ना, फिर हाँ मैं दरमी आया की हो गया, घी छिपा तड़का लगता रह गया, भुख मैनी बहुत ज्यादा लगी, प्याज रखती है अदरक लहसुन काट कर, तो प्याज तो ब्राउन हो गया, लेकिन जो चिकन है ना हमारा बूटियां एडियां बड़ी बड़ी मतलब छोटी करवा लेना फट। वो ऐसे गैस कराने चले गए थे ना, मैंने वहां कर दिया था किलो, फिर उन्होंने ना अपनी मर्जी ना ली करता सारा काम, वाकई बढ़िया ने, चल गुजारा करो मुर्गे पहले बढ़िया नहीं है, मुर्गा मोटा होना है। हां मुर्गा मोटा हो ही ना, मैंने तो इवें लगता मुर्गा मोटा से। पूरी भी माशाल्लाह गुआड़ी दे, हां हूं तो गुआड़ी भी ले आंदी मैं, ठीक है चले छोड़ दे।
बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इस कुर्बानी पर हम अपनी खुद की कुर्बानी करेंगे, बकरा हो या मतलब के कट्टा हो या गाय का बछड़ा जो भी मतलब के हुआ ना करेंगे इंशाल्लाह। इस नीम के नीचे जनाब उसको हम टांग कर उसकी जनाब खड़ी उतारेंगे और हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी रही और अल्लाह ताला ने चाहा तो हम खुद कुर्बानी इस बार लाजमी करेंगे। पहली मतलब ये होती रहती लेकिन ना वो सब की फैमिली मिलकर फिर करते, लेकिन इस बार हम अकेले की बात करें, हम अकेले कोई मतलब हिस्सेदारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, अकेले करेंगे इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो अल्लाह ने चाहा जो अल्लाह को मंजूर इंशाल्लाह ज़रूर। इंसान की कोशिश होती है तो अल्लाह पाक जो है वो साथ देता है तो इंशाल्लाह काम हो जाता है, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अब आपकी क्या सोच है? सही बात है, तीन बंदे हैं हम जुगी में। ये जो काला पैटा है ना, ये हम ये बहुत ना मजे का पैटा है जी। किन्नी दे रहे? मिसाले भी हमारे कुछ डिब्बे में ख़त्म हो गए थे और कुछ जो हैं पड़े हुए हैं, जो पड़े हुए हैं अभी तक ये इन से काम चलाते हैं, तो फिर साथ में बाकी जो मिसाले हैं वो ब्रांड कर रखेंगे। अभी तो गर्म मिसाला भी पड़ा हुआ, कुछ धनिया भी है। ओहो, हल्दी ख़त्म हो गई थी और सॉरी नदला वगैरह, मैं मुझे काफ़ी दिनों से मतलब 2-3 दिन हो गए तो अभी थोड़ा सा काम ख़राब हो गया था मेरे साथ, तो इसलिए मैंने वीडियो काट दी। बाकी कोई नदला करम करेगा, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ कोई अनोखा नहीं हो रहा, तो आप मेरा मजाक ना उड़ाया करें, मेहरबानी शुक्रिया। ना लिया वे लिया वे लिया कल ही खा जा रहे हैं, कोई मैंने खिला थोड़ा बहुत की है रोटी काट ली नहीं आप रोटी छा दी है बड़ी कड्डी है कचिया ने अजे तो पैकियां ने किनिया पाकियां ने सही पाक छोटी सी कड्डी फेंकी उसी वक्त कवे आ गए, उसी वक्त कवे आ गए काले हो वाह कुड़ी आओ। चलो जी मिलकर थोड़ी बहुत बोटी खाते हैं, तेरा बरकत देखना पड़ेगा जी। ओ तेरा बरकत है कल कल ही खादी जा रहे हैं तो बोटी कभी नहीं दिए दे बोटी ओनु देती है तो उनका दिल गटी जा रहा है। मेरे भूख लगी है तेरे दिल केड़े है ना दिया सालन भी काट दें चल फिर सालन थोड़ा काट ले मैं रोटी खावा मैं चावल थोड़े खाने में नदला वगैरह सालन कटा माशाल्लाह जी माशाल्लाह चावल जो है दम के करीब हो गए और ये ना कच्चे रहे और ना ही वो ना उस तरह बने, ये ख्याल रखना आप क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ हमारे साथ हो जाता है, पिछली बार जैसे हुआ था याद ही कच्चे रह गए। चलो जो भी है तू नहीं सिला और सी तो उस बार हमारे कच्चे रह गए थे चावल गैस खत्म हो गई निकिया निकिया शायद आपको इस चीज का इलम नहीं है बिरयानी गोश्त को नहीं पाया उत्तर गोश्त नहीं पाया वो जनाब सामने जो है ना वो थ्रेशर आ चुकी है गंदम निकालने वाली और मुझे लगता है वो भी इधर ही लगेगी वैसे साहब यहाँ पर वो वाली मशीन वो अगर उन्होंने लाए तो आज हवा इधर दी है ना चलो शुक्र है आज अगर लग जाए तो अपने लिए दूर गट्टा नहीं आता कल हवा चेंज हो जानी तो फिर हट के काम खराब हो जाना फिर बर्तन वाश करना शुरू कर दे नहीं तू लड़ गई मैनू ऐसा ना तो लड़ गई हाँ जी ओ इधर ले फट 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 की करू ने और बुलस्ताना हाँ जी चले
पहले पैसे दो मैं नहीं देता लग चूड़ी लग गई तो संभाल के रख काम देसी अपन रख संभाल के ये काम देगी। अभी माशाल्लाह चावल हमारे बन गए लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से नज़ला वगैरह ना चावल मुझे सही नहीं है तो मैंने कहा मेरे लिए रोटियां बना ले तो अभी तेरा बरकत मेरे लिए जो है ना वो रोटी तैयार कर रही है। चंगेरा खा ली ने जी चंगेरा खा ली ने चलो ठीक हो गया माशाल्लाह जी माशाल्लाह चावल हमारा रेडी सही है ना। और मेरी जो है ना वो रोटी है वो मैं रोटी खाऊंगा अब वैसा बोलता है शायद चावल खाए थोड़ा बहुत शायद मैं भी एक आधा लुकमा ले लूं इधर से चावलों का ज्यादा नहीं वैसा हाँ जी नहीं ज्यादा नहीं क्यों बस थोड़ी मेरी बनती नहीं ना अजकल मैं स्वास्थ्य चलो ठीक है माशाल्लाह जी खाना हमारा हो चुका है लेकिन वैसा बहुत सारा बरकत अभी नहीं उठ रहे अपनी निश्चितों से क्योंकि मैंने जनाब अपनी खाना रोटी जो है वो खा ली है ये पड़ी है बहुत सारा बरकत और अवैध साहब ने एक परात खाली कर ली और दूसरी जो है ना वो जनाब पेट में जाने के लिए चलो मेहरबानी खाओ 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 जनाब खाओ 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 जनाब खाओ माशाल्लाह जी माशाल्लाह तुम जनाब सारा ही खाओ जनाब सारा ही खाओ हाँ जी मेरी की मजाल मैं तुम्हें कुछ कहूँ सारा खाओ जनाब। हालांकि थोड़ा थोड़ा जो है ना हवा का मुहाड़ इस साइड पर आ रहा है लेकिन शुक्र है कि उन्होंने मुहाड़ चेंज होने से पहले जो है ना थ्रेशर का मुंह जो है ना वो पर दूसरी साइड पर हो गया था और हमारी बचत हो गई। बाकी अल्लाह करे कल ये होनी है और कल भी कोई हवा का जो रुख है ना इस साइड पर हो इस साइड पर ना हो अगर इस साइड पर हुआ तो जनाब बहुत काम खराब है फिर हमें उधर जाना पड़ेगा बाकी अल्लाह करम करेगा। जनाब मैं दूध लेकर आ गया वापस दूध लेने गया था मोबाइल था ना वो अचानक बंद हो गया इसलिए आज मैं साथ मोबाइल जो है ना वो नहीं लेकर गया तो फिर मैंने तारा को बोला कि ये चार्जर पर लगा दीजिएगा फिर लाइट गई हुई थी फिर लाइट आई है फिर चार्ज हुआ है तो तारा बरकत अब कह रही है कि जो चार पाई वो कलर की थी ना एक राउंड उस पर लगा दिया था एक दूसरा और राउंड आप लगा दें तो उसके बारे में कुछ सोचते हैं। फिलहाल मेरा तो माइंड यही है कि वो बस ठीक है या वो हो जाएगी ना जहाँ से वो नज़र आएगी फिर वो उसके पावे या लतानी वाली साइड पर दावनी वाली साइड पर वहाँ पर फिर दोबारा ना कलर कर लेंगे हम कर ले कोई नहीं देनी बाकी आदत तकरीबन चौथा हिस्सा मतलब उस वक्त रहेगा वो जो नज़र आएगा तीन हिस्से जो चार पाए के वो मतलब के नीचे आ जाने वो पता नहीं लगना नीचे क्या है क्या नहीं कलर जितना हो गया हो गया क्यों ऐसा वाह ये कुछ स्पेशल मोबाइल है हाँ मोबाइल नहीं है अच्छा लाने है। मुझे लगता है कि ये मशीन जो है ना ये सारी रात चलेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी शायद उनकी पड़ी हुई है तो बाकी कोई नहीं अल्लाह ताला करम करेगा देखते हैं कब तक ये चलते हैं कहीं नहीं अगर सारी रात चली तो अगर हवा का रुख चेंज हो गया तो ऐसे समझो कि हमारे जो है ना मुँह पाउडर से थप जाएंगे नासें काने मुँह मैं वो तूड़ी 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 हो जाएगा नज़ला आ रहे हैं ना बंद हो जाएगा ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा लेकिन नहीं अलग ना हवा बिल्कुल थम गई है ठंडक है लेकिन हवा बिल्कुल थम गई है हवा नहीं है तो दुआ कीजिएगा कि सुबह तक कल शाम इस वक्त तक अगर हवा चलती भी है ना तो उसका रुख इस साइड पर हो अगर इधर हुआ तो बहुत काम ख़राब होगा ये हम मैं इस बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है तो इसलिए मेहरबानी कीजिएगा अल्लाह ताला करम करे दुआ कीजिएगा फिलहाल। अच्छा मैं आज नोट किया कि माशाल्लाह मकई नू काफी फल लग गया सोचा मैं कि वेखे बड़े छलियां लगी हैं चंगियां बलियां लगी हैं इन्हें जबरदस्त ये तकरीबन एक मंथ के अंदर अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी नो टेंशन एक मंथ चंगी पली हाँ। बाकी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी जी तो फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो तब तक अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नेकबान अपना ख्याल रखे अपने दोस्तों का ख्याल रखे अपने दुआओं में जरूर याद रखिएगा ओके जी अल्लाह हाफिज़ अजी हूँ एंड।